आज 25 बैशाख रविंद्र जयंती। हम और मेरे हस्बैंड आ गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्र भवन पीछे है कम्युनिटी हॉल, इधर रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू है माल्या दान करने के लिए। आगे हमरा सब कत जन आसतम बोले, पहले इधर हम लोग कितना जन आते थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। देखिए सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं, अभी 5:30 हुआ है टाइम। अभी ब्रेकफास्ट लेके बैठे हैं, आज ब्रेकफास्ट में है मैगी बनाए, ऊपर से खीरा काट के दे दिए, सोयाबीन सब्जी दे के आज मैगी बनाए हैं चाउमीन टाइप का, हस्बैंड को भी यही दिए हैं। ऐसे ये सब खा के वो जाना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं आज कैसे राजी हो गए। आज सुबह तो देखे, आज रविंद्र जयंती रविंद्रनाथ टैगोर का, शायद कितना 1861 में उनका जन्म हुआ था, 163rd शायद बात एनिवर्सरी। तो सुबह गए थे रविंद्र भवन में, आप लोगों को तो दिखाए माल्या दान करने। पहले हम लोग का जो बंगाली क्लब चलता था, आज के दिन हम लोग का सुबह हम लोग क्लब में जाके प्रोग्राम करते थे, शाम को तो बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन होता था, सब कोई पार्टिसिपेट करते थे, जितना बंगाली फैमिलीज हम लोग कॉलोनी में थे। अभी तो 1-2 जन ही हैं, इसीलिए प्रोग्राम होता नहीं है, बच्चे सब भी नहीं हैं, सब बाहर चले गए। मेरी बेटी, फिर मेरी फ्रेंड का बेटी, वो लोग सब प्रोग्राम करते थे, डांस इतना दिनों से प्रैक्टिस चलता था, तो आज कुछ सालों से ना आज के दिन बहुत खाली लगता है। हर बार तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग घर जाए, बंगाल जाए, तो क्या करें, हम लोगों से जितना हुआ। लास्ट ईयर भी मिस्टर गए थे इधर, और 2-3 जन बंगालीज थे, उन लोगों के साथ जाके शाम को माल्या दान स्टैचू में करके आए। आज हम बोले चलो सुबह तो वॉक करने निकलते ही है, जाते हैं, अच्छा ही लगता है, दिन का शुरुआत ऐसे हो तो दिन भी अच्छा लगता है। चलिए अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ममता का भी मोटा मोटी काम हो ही गया, अभी निकलेंगे मार्केट, कुछ काम है, आके हम लंच बनाएंगे। मार्केट से आ गए 10 मिनट पहले,
आज तो कल रात को बारिश हुआ, बहुत ज्यादा नहीं मोटा मोटी हुआ है, आंधी ज्यादा हुआ, घर में डस्ट ज्यादा भरा बारिश से, तो इसीलिए आज गर्मी कम, नहीं तो इस टाइम दिन में मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कुछ कुछ प्रिपरेशन करके गए थे मार्केट जाने से पहले, सब्जी काट के रखे हैं, ये बैगन, बोदी, झींगा और आलू देके बड़ी देके एक तो झोल बनाएंगे, ये हस्बैंड को बहुत ज्यादा ही पसंद, हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनको बहुत पसंद है, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है ये। और फिर मछली होगा फ्राई, इसको मैरिनेट करेंगे, अभी नमक हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर डाल के रखे हैं, और एक करी होगा, अंडा और आलू को हम बॉईल करके रख के गए थे, चलिए अभी झटपट से बना लेते हैं। पहले कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करेंगे, तेल तो गर्म हो गया, अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पाँचफोरन, बड़ी, ये मेरी फ्रेंड जो मिनी है वो बना के देके गई है बड़ी, उड़ीसा से भी बड़ी वो हमको ला के दी थी एक दो बार, बहुत अच्छा बड़ी है, साइज बड़ा होता है, ये वो घर में बनाई, ये भी अच्छा ही बनाई है। फिर ग्रीन चिली, फिर अभी इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ सब्जी, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, उस टाइम इसको ढक के रख देंगे, झींगा है इससे तो पानी बहुत निकलेगा, इसी में आधा बॉयल हो जाएगा, अभी लास्ट में इसमें भजा मसाला ऐड कर देंगे, हो जाएगा, कि खाने में बहुत टेस्टी है, गर्मी में तो एकदम ज्यादा तेल मसाला खाने का मन नहीं करता, एकदम हल्का पतला बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी ग्लूकोज पानी पिएंगे, पता नहीं आज तो इतना धूप नहीं था फिर भी गर्मी लग ही रहा है। ग्लूकोज भी ना जम गया है, आके पहले खाना चला दिया, 10 मिनट बैठे फिर खाना चला दिया, फिर अभी ग्लूकोज पानी पिएंगे, एनर्जी लेवल डाउन हो गया, 4:45 बजे उठे, वॉकिंग करने निकले, उसी टाइम रविंद्र भवन जाके उधर माल्यदान करके आए, फिर वॉकिंग 2 राउंड पूरा कॉलोनी को राउंड मारते हैं तो मोटा मोटी 2 किलोमीटर हो जाता है, फिर घर आए, 10-15 मिनट बैठे, चाय पिए, ब्रेकफास्ट बनाए, झाड़ू पोछा किए, नहा के पूजा करके, पूजा तो आप लोगों को दिखाई, फिर ब्रेकफास्ट करके निकले थे मार्केट, अभी खाना चढ़ाए हैं। ग्लूकोज का ना पानी पीने से हमको सूखा खाने में अच्छा लगता है ज्यादा, मार्केट से क्या क्या लाए हैं आप लोगों को दिखा देते हैं, टिश्यू पेपर खत्म हो गया था, खत्म नहीं आधा है, एक पैकेट ले लिए, चीनी खत्म हो गया था, चीनी लाए, लाल मिर्ची का पैकेट लाए, और हम लोग डाबर लाल टूथपेस्ट यूज करते हैं वो खत्म हो गया था, वो लाए, गए थे एक काम के लिए, एक्चुअली अगरबत्ती खत्म हो मैंने, और आज ही लास्ट था, याद नहीं था, वही लाने गए, और कुछ दिनों से हो रहा है क्या, हस्बैंड ड्यूटी से आने के टाइम में मार्केट होके उधर से आते हैं तो लेके आते हैं, हम भूल ही जा रहे हैं,
आज मीठा दही लाए, देखिए मिष्टी दही, लाल दही, लाल दही गुड़ का, बहुत अच्छा, खाने में बहुत टेस्टी। और कैप्सिकम लाए हैं, इसको अभी धोना है, धो के सुखा के फिर फ्रीज में रखना है। एक के बाद एक काम, एक काम खत्म होता है तो दूसरे काम आंख फाड़ फाड़ के देखता है, अभी हम भी रेडी है, मेरा भी खत्म करो। चलिए झटपट से बाकी सब्जी देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। तो हम ढक के पकाएंगे, मोटामोटी 60% कुक हो गया है। अभी थोड़ा सा पानी दे दिए क्योंकि इसको थोड़ा झोल झोल रखेंगे, हल्का ही अच्छा लगता है। और अभी मछली को तो मैरिनेट करके रख लिए, उसको फ्राई करेंगे और एक करी बनाएंगे। तो एक करी का रेसिपी और क्या शेयर करेंगे, चलिए उसका मसाला पहले बना लेते हैं। ये मोटामोटी रेडी हो ही गया है, अभी लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और भाजा मसाला, ये भाजा मसाला हम बहुत बार बताए हैं आप लोगों को, फिर भी और भी बता देते हैं, बंगाली व्यूअर्स को तो पता ही है भाजा मसाला हम लोगों के घर में रहता ही है। ये है जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, इलायची और दालचीनी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके इसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए। ये कोई भी सब्जी में दीजिए ना, लास्ट में इसको देखे मसाला को एकदम लास्ट में देखे गैस ऑफ करना है, नहीं तो इसको फ्लेवर चला जाएगा। फिर इसको हम ढक देंगे, कोई भी सब्जी में लास्ट में इसे ऐड कीजिएगा, अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। खासकर वेज आइटम जिसमें आप प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं, इसमें तो हम कुछ भी नहीं डाले, खाली बड़ी दिए और ये लास्ट में ये मसाला, अदरक भी नहीं है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। इधर हम राइस भी इंडक्शन में चढ़ा दिए, हमें भी एक करी बनाना बाकी है। मेरा लंच मोटा मोटी रेडी हो ही गया है, ये सब्जी मिक्स सब्जी जो बनाए थे, ये एक करी और इधर राइस है और इधर मछली फ्राई हो रहा है, एक पूछ और एक पीस, ये दो तो था इसीलिए आज हम इसका करी नहीं बनाए। आज मछली वाला आया था लेकिन वो वाला मछली हम रख दिया, कल बनाएंगे। ये पहले रखा हुआ था मछली, दो दिन हो गया इसका, तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। अभी लंच करने बैठ गए, बहुत ज़ोरों से भूख लगा, आज माछ भाजा ये बोल के गया तो मछली का झोल बनाने के लिए, हम बोले नहीं ये पूछ, पूछ का झोल खाने में अच्छा नहीं लगता है। मार्केटिंग नहीं लगेगी, मार्केट गई लगेगी। हाँ ना, तो मजे ना लाल मिष्टी दही नहीं आते। अच्छा थैंक यू। मीठा दही इनको बहुत ज्यादा ही पसंद, हमको भी पसंद। चलिए आज खाली खाली लग रहा है, आज रविंद्र जयंती हर जगह प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग को खाली खाली लग रहा है, पहले इतना प्रोग्राम किए हैं, अभी वो सब बहुत मिस करते हैं। पुराना दिन जितना दिन जाएगा ना, पुराना दिन लोग मिस करते ही हैं। चलिए अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। माउथ ऑर्गन में रविंद्र संगीत के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।